हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ 2017 की लास्ट रेसिपी ऑन माय चैनल। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ आज गाजर का हलवा, क्योंकि साल का अंत होना चाहिए बहुत ही मिठास के साथ। तो हम बनाएंगे आज गाजर का हलवा, लेकिन ये है बहुत ही मज़ेदार हलवाई जैसा गाजर का हलवा, जो कि हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो इसके लिए मैंने ये लिए है 1 किलो गाजर, और उसको अच्छे से वॉश करके, पील करके और ग्रेट कर लिया है कुछ इस तरीके से। जब मैंने आपको पहले गाजर का हलवा बनाना सिखाया, तो मैंने उसको बनाया था कढ़ाई में, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि उसको जब ग्रेट करें तो बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर यूज़ करके उसको ग्रेट करें। लेकिन क्योंकि ये हलवा जो है बहुत ही मज़ेदार और क्विक और हलवाई जैसा हलवा है, तो ये बनना चाहिए बहुत ही जल्दी। तो इसके लिए आपको इसको बिल्कुल बारीक ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस गाजर के हलवे के लिए पहले सारी गाजर को ले लिया है प्रेशर कुकर में, 1 किलो गाजर ली है और 1 कप दूध ऐड कर दिया है उसमें, साथ साथ आधा कप मैंने ऐड कर दी है चीनी। चीनी का जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कई लोगों को मीठा गाजर का हलवा ज़्यादा पसंद होता है, कई लोगों को बहुत ही एवरेज उसमें मिठास होनी चाहिए उतना पसंद होता है। तो मिठास आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3/4 कप टोटल शुगर ऐड करूँगी, और आधा कप जिसमें से मैंने अभी ऑलरेडी ऐड कर दिए। तो ये सब मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, और अब इसको मैं करूँगी प्रेशर कुक। और मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी 3 विसल्स जब तक इसमें ना आ जाए, यानी कि 3 सीटी लगाऊंगी प्रेशर कुकर की, और उसके बाद इसको हम खोल कर देखेंगे। तो ये बंद कर देती हूँ मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन, और अब इसमें लगाएंगे 3 सीटियाँ। और 3 सीटी लगाने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था इसी तरीके से भाप में ही, ताकि थोड़ी और गाजर अच्छे से पक जाए, और उसके बाद मैंने इसको ये खोल लिया। और आप देख सकते हैं गाजर अच्छे से पक चुकी है, बस इसमें है ये दूध का जो पानी जो छोड़ता है, दूध जो वो पानी है इसमें, और गाजर भी पानी छोड़ दिया तो वो भी पानी है। तो उसको अब हम सुखा लेंगे। तेज़ आँच पर मैंने इसको टाइम रखा हुआ है इसको, और लगातार चलाते जा रही हूँ मैं इसको, ताकि पानी जो है जल्दी से सूख जाए। और 2-3 मिनट के करीब लगता है इस पूरे पानी को सूखने में तेज़ आँच पर। तो 3-4 मिनट तक आप इसको लगातार स्टर करते रहिए, और उसके बाद पूरा पानी जब सूख जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो आप देख सकते हैं इससे गाजर जो है एकदम सॉफ्ट हो जाती है, और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर हो जाता है। और पानी पूरा सूखने के बाद आप देखिए ऑलरेडी ये बिना कुछ ऐड किए इतना मज़ेदार लग रहा है हलवा। लेकिन अभी इसमें जाएंगी बाकी की चीज़ें। अभी आपको ये लग ज़रूर रहा है कि बन गया है गाजर का हलवा, लेकिन इसमें अभी और टेस्ट हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे देसी घी, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1/3 कप से लेके 1/2 कप तक देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप देसी घी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको बहुत कैलोरीफिक हलवा नहीं चाहिए तो कम कर सकते हैं देसी घी की मात्रा, लेकिन अगर चाहते हैं कि हलवाई जैसा हलवा बनकर तैयार हो तो थोड़ा सा देसी घी तो डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता है बिल्कुल बढ़िया जैसे आप खाते हैं शादियों में गाजर का हलवा वैसा। तो मैं अब इस देसी घी के साथ इसको थोड़ा सा और भून लेती हूँ गाजर को, क्योंकि असली घी की खुशबू के साथ और घी के साथ जब ये हलवा जो गाजर है जो भूनती है वो इसमें बहुत ही अच्छा अरोमा और बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड करती है। तो इसको भूनते जाए लगातार, तो इस तरीके से चलाती जा रही हूँ मैं इसको, आप देख सकते हैं। और हलवे का रंग भी बदलता जा रहा है, और देखने में भी बहुत ही लाजवाब ऑलरेडी लग रहा है। अब टाइम है इसमें मावा ऐड करने का, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 कप मावा, जिसमें मैंने 1/4 कप जो बची हुई चीनी थी वो मिला रखी है, और उसके साथ साथ इसमें मैंने मिला रखे हैं खरबूजे के बीज और चिरौंजी। तो ये जो मावा मैं ऐड कर रही हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था तवे पर, क्योंकि इसका आप कलर देख सकते हैं ये वाइट नहीं है, ब्राउन है, लाइट ब्राउन। तो इसको मावे को हल्का सा भून लिया है मैंने अलग से, और उसके अंदर ऐड करा है चिरौंजी खरबूजे के बीज, तो उससे और भी बढ़िया टेस्ट ऐड हो जाता है इसमें जब हम मावा थोड़ा सा भून कर इसमें ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली ऐसे चाहें तो ऐसे ही 1/2 कप मावा इसमें ऐड कर सकते हैं, और अलग से ऐड कर सकते हैं चिरौंजी, 1-2 चम्मच चिरौंजी और 1-2 चम्मच खरबूजे के बीज। तो मैंने यहाँ पर लेकिन भून लिया था इस मावे को और 1/4 कप चीनी के साथ, और उसमें ऐड कर दिया था चिरौंजी और खरबूजे के बीज। तो आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, भूनकर भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मावे के साथ अब इसको मिक्स करते जाते हैं और भूनते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हलवे का कलर भी बहुत बढ़िया आता जा रहा है, और साथ साथ हलवा देखने में भी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, एकदम जैसे कि हलवाई के पास मिलता है उसी तरीके का हलवा। तो फाइनली इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कार्डमम पाउडर, यानी कि हरी इलायची का पाउडर, और उसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच ये रोज़ वाटर एसेंस, सिर्फ एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू ऐड करने के लिए इसमें। अगर आपके पास रोज़ वाटर एसेंस नहीं है तो आप सिंपली इलायची का पाउडर डाल के भी इस हलवे को बना सकते हैं। तो ये रोज़ वाटर एसेंस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको अच्छे से कर देती हूँ मिक्स।
तो ये बढ़िया अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसको, और अब लगातार इसको भूनती जाऊंगी मैं जब तक कि थोड़ा सा देसी घी साइड से उज़ आउट होने लग जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो ये मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, बढ़िया एकदम हलवा बनकर तैयार हो चुका है। हल्का हल्का देसी घी जो है वो सरफेस पे दिखाई देने लग गया है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फाइनली नट्स, आप कोई भी नट्स अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम और काजू ऐड कर रही हूँ। तो ये मिक्स कर देते हैं इसको बढ़िया तरीके से, और ये काजू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको दो तीन मिनट तक भून रही हूँ, तब तक जब तक कि ऑयल थोड़ा सा और उज़ आउट हो जाए, यानी कि घी थोड़ा सा दिखाई देने लगे। तो बिल्कुल लो आंच कर दिए मैंने और इसको दो तीन मिनट के लिए ढक दिया था, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल बनकर तैयार है ये गाजर का हलवा। इसको करती हूँ सर्व गर्मा गर्म, और आप देखिए कितना बढ़िया ये गाजर का हलवा बनकर तैयार है। आई एम श्योर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितना जायकेदार, कितना टेस्टी ये लग रहा है हलवा, और बिल्कुल हलवाई जैसा, जैसा आप शादियों में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इस हलवे का। तो प्रेशर कुकर में बनता है तो बहुत जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा देर गाजर को घिसना नहीं पड़ता है और लगातार उसको भूनते नहीं रहना पड़ता है, तो जल्दी बनने वाला है और साथ साथ बनता है बहुत ही टेस्टी। तो साल को एंड करने का इससे बढ़िया तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो बनाइए इस गाजर के हलवे को इस साल को अलविदा कहते हुए और अगले साल में एंटर होते हुए, और आई एम श्योर अगला साल आप लोगों के लिए बहुत ही प्रॉस्परस हो, बहुत ही हैप्पी हो। सो अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको हिट करना है लाइक का बटन जो कि ठीक इस वीडियो के नीचे है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई रेसिपीज़। हैव अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेसड न्यू ईयर अहेड। Wish you all a very lovely and prosperous new year. Bye-bye. Take care.